नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता करका। ये नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। सिख फॉर जस्टिस संगठन ने दी खालिस्तान झंडा फहराने की धमकी, दिल्ली में जारी हुआ हाई अलर्ट। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानी स्वामी का निजी सहायक गिरफ्तार, सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी का आरोप। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नीति सरकार अलर्ट, हर स्तर पर सतर्कता बरतने की निर्देश। पश्चिमी विक्षोभ करेगा उत्तर पश्चिम सहित मध्य भारत का प्रभावित, आईएमडी ने इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी को सता रहा फिर से किडनैपिंग का डर, बोला उसके खिलाफ हो रही है साजिश। ओमिक्रॉन को रोकने पर सरकार ने झोंकी ताकत, राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को जीनोम जांच कराने के निर्देश। कोरिया है या कंट्री के ऐलान कर दिया सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत के तीखे बोल। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का डर, ठाणे में टीका लगवा चुके 55 बुजुर्ग मिले कोरोना संक्रमित। एमएसपी पर अड़े किसान, हरियाणा सरकार मरहम लगाने के लिए उठा सकती है ये बड़ा कदम। सुखबीर बादल ने उद्योगपतियों से किया वादा, बिल्ड पंजाब, इन्वेस्ट इन पंजाब, प्रमोट पंजाब पर होगा फोकस। हरियाणा सीएम मनोहर लाल पर बोले, हुड्डा राज में 11 भर्तियां हुई रद्द, चौटाला से जाना पड़ा जेल, हमने तो रैकेट तोड़ा। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष बोले, कर्मचारी हिताशी जयराम सरकार ने हक में लिए बड़े निर्णय। सर्दियों में भी खुली रहेंगी लाहौल की सड़कें, भारी बर्फ से ढकी घाटी में घूम सकेंगे पर्यटक, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। ग्यारह की जनगणना के आंकड़े के अनुसार परिसीमन पर किसी को नहीं होगी कोई आपत्ति। पूर्व लद्दाख में एलएसी के पास चीन की गुस्ताखी, एयर स्ट्रिप बनाई गई, मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती, भारत ने जताई आपत्ति। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 5 लोगों की मौत। देवरिया में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना में होम आइसोलेशन में रहे बुआ बबुआ भाई बहन। शाहजहांपुर में टला बड़ा हादसा, रामगंगा नदी पर बना कोला घाट पुल गिरा, शाहजहांपुर दिल्ली मार्ग पर बंद हुआ आवागमन। एक अरब की ठगी में हेलो राइट कंपनी का मालिक लखनऊ से गिरफ्तार, प्लॉट के नाम पर देता था झांसा। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ रासुका व गैंगस्टर एक्ट के तहत होगा कार्रवाई, जब्त होगी संपत्ति।
फरुखाबाद में सलमान खुर्शीद के बचाव में उतरी लुईस खुर्शीद, पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी है लुईस खुर्शीद। हमीरपुर में निरीक्षण पर पहुंचे अपर मुख्य सचिव, गृह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। कानपुर में वाजिदपुर कुबा मस्जिद के सामने लगी चपेट में आए बिजली के खंभे। सहारनपुर में सीमेंट व्यापारी को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, सभी बदमाश मौके से फरार। वाराणसी में मासूम बच्ची से हुआ दुष्कर्म, पड़ोस के युवक पर आरोप। आजमगढ़ में तहसील के पास दो मंजिला मकान हुआ धराशायी, तहसील प्रशासन और स्थानीय थाना को दी गई सूचना। गोरखपुर में एसएम योगी ने लगाया जनता दर्शन, 225 फरियादियों की समस्याएं सुनी। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो अल्ट्रासाउंड सेंटर पर की छापेमारी। शाजापुर में करोड़ों से बना पुल हुआ धराशायी। सोनभद्र में फुलवार गांव के खलिहान में लगी आग, धान की फसल हुई जलकर राख। उन्नाव में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार युवक और महिला की मौत। लखनऊ देवांशी सिंह के साथ पर्ण्य सूत्र में बंधे चेयरमैन, पीवीटी ग्रुप के चेयरमैन है विराट सागर दास, पूर्व विधायक रायबरेली अखिलेश सिंह की बेटी है देवांशी सिंह। बलिया में तेज रफ्तार का कहर, डीसीएम और कमांडर की जोरदार टक्कर, कमांडर में सवार कई यात्री हुए घायल। हमीरपुर में दाल मिल में मजदूरी कर रही महिला की हुई मौत, काम करते समय हादसे का शिकार हुई महिला, दाल मिल के पट्टे में फंसकर महिला की हुई है मौत। हरदोई में शौच करने गए किसान को दबंगों ने मारी गोली, गोली लगने से किसान गंभीर रूप से घायल, घायल को जिला अस्पताल में किया गया रेफर। लखनऊ में सपा नेता ने लगवाई विवादित होर्डिंग, टेट पेपर लीक होने के मामले में लगाई होर्डिंग, नकल दमदार छात्रों का बंटाधार योगी सरकार। लखनऊ में यूपी टेट पेपर स्थगित मामले से जुड़ी बड़ी खबर, पेपर लीक गिरोह के 29 लोग गिरफ्तार, सॉल्वर और अभ्यर्थियों की हुई गिरफ्तारी। सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिले शिवपाल सिंह, बोले आजम भाई भी समाजवादी परिवार में एका के इच्छुक। गाजीपुर में जहरीली चाय पीने से बालक की मौत, पिता और दादा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बागपत में ईस्टर्न पेरिफॉल एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई कार, एक युवक की मौत, दो हुए घायल। यूपी में पुलिसिंग को रफ्तार देंगी महिला होमगार्ड, थामेंगी अफसरों के वाहनों की स्टीयरिंग।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 12 घंटे के लिए बंद। 13 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे कॉरिडोर का लोकार्पण। प्रयागराज के फाफा माऊ कांड का लेकर आपने किया प्रदर्शन, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी 316 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। उत्तर प्रदेश के ऑनर किलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद खत्म नहीं। हरिद्वार में महंगाई को लेकर प्रदर्शन, भाजपा सरकार पर बरसी कांग्रेस अध्यक्ष। देश भर में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट, उत्तराखंड में बाहर से आए वालों की बॉर्डर पर होगी जांच। मोदी दून में जनसभा और 30 हजार करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात, सीएम ने परेड ग्राउंड का लिया जायजा। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति बोली कांग्रेस के लिए महिला ऐसे वोट बैंक दोहरा चरित आया सामने। देहरादून में बाल वनिता आश्रम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, तबीयत खराब होने पर चला पता, खाना खाते वक्त बालक से बड़ी थी नजदीकियां। कालाडूनी में 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार, प्रदेश महामंत्री ने ग्रामीणों के साथ की सभा। लालकुआ में बिना डॉक्टर के चल रहा अस्पताल, मरीजों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। ज्वालापुर में आक्रोश रैलियों का कार्यक्रम का आयोजन, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर रैली। ऋषिकेश में जिला पंचायत ने सामने किया अपना रिपोर्ट कार्ड, कार्यक्रम में कई क्षेत्रों से जुड़े समाज सेवी मौजूद रहे। दिसंबर में राहुल गांधी आ सकते हैं उत्तराखंड, पीएम मोदी के दौरे को जवाब देने की तैयारी। सरकार पर 10 दिन में 8200 से ज्यादा पंजीकरण, जनता को घर बैठे 75 सेवाओं का लाभ। शंकराचार्य स्वामी निश्चला दन ने धर्म निरपेक्षता को लेकर दिया बड़ा बयान, बताया पागलपन और धोखा। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सीबीएसई बोर्ड भी अलर्ट, टर्म एग्जाम के लिए एडवाइजरी जारी। देवस्थान बोर्ड पर विधायक ने किया तीर्थ पुरोहितों का समर्थन। सैनिकों को लेकर आमने सामने भाजपा और कांग्रेस, दोनों पार्टियां खुद को बता रही सैन्य प्रेमी। ओमिक्रॉन वेरिएंट से इजराइल अलर्ट, सभी विदेशी यात्रियों की एंट्री पर लगाया बैन। ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क के बाद अब नीदरलैंड पर टूटा ओमिक्रॉन का कहर, 13 लोगों को बनाया शिकार।
दुश्मन के इलाके में घुसकर मारेंगे, जापान के पीएम ने चीन और उत्तर कोरिया को चेताया। इमरान खान ने माना, पाकिस्तान में नहीं है कानून का राज, संसदों पर खास लोगों ने कर लिया है कब्जा। पश्चिम के प्रशिक्षित शिक्षण संस्थानों को प्रभावित कर रहा ड्रैगन, चीन शैली की शासन व्यवस्था की कर रहे पैरोकारी। WHO बोला, ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक होने के अभी साक्ष्य नहीं। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक भारतीय नागरिक को सरकारी जमीन आवंटित, लाहौर हाईकोर्ट ने इसे गंभीर कानूनी गलत माना। पाकिस्तान के पेशावर में छात्रों से इमरान खान की सरकार के खिलाफ किया जमकर विरोध प्रदर्शन। ब्रिटेन में अरविंद तूफान का कहर, 160 किलोमीटर रफ्तार से हवा चली, तार टूटने से 2.5 लाख घरों की बिजली गुल, 5000 पेड़ गिरे और 3 लोगों की मौत। अमेरिका में बेगुनाह को मिला न्याय, बगैर जुर्म 43 साल जेल में रहे केविन, परी होने पर 20,000 लोगों ने जुटाए 11 करोड़ ताकि जिंदगी दोबारा शुरू कर सके। सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद 400 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स, रिलायंस के शेयरों में 3% अधिक की तेजी। शॉपिंग के लिए SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना हुआ महंगा, 1 दिसंबर से EMI खरीद पर लगेगी 99 रुपए प्रोसेसिंग फीस। रॉयल एनफील्ड लॉन्च करेगी हिमालयन सीरीज पर आधारित एडवेंचर बाइक। टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को दिया झटका, नेक्सॉन SUV के दाम बढ़ाए। क्रिप्टोकरेंसी पर बैन की खबरों के बीच क्वाइन स्टोर में भारत एंट्री, बड़ा है ऐलान। फेमा में फंसे अमेजन फ्यूचर ग्रुप ईडी ने विवादित डील के लिए भेजा नोटिस, किशोर बयानी और अमित अग्रवाल से पूछे जाएंगे सवाल। सेंसेक्स की टॉप 9 कंपनियों को हुआ 1.47 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, इंफोसिस का बड़ा मार्केट कैप। भारत में रुपए के प्रचार प्रसार में वीजा हुआ चिंतित, अमेरिकी सरकार के सामने उठाया मुद्दा। चीनियों को पसंद नहीं चाइनीज स्मार्टफोन, शाओमी, ओप्पो, रियलमी और वीवो को भारत में भारी डिमांड, चीन में सबसे ज्यादा बिक्री रहे आईफोन। एक दिसंबर से होने जा रहे 5 बड़े बदलाव, PF का पैसा चाहिए तो UN के आधार से लिंक करना जरूरी। रिद्धिमान साहा गर्दन में अकड़न के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली टेस्ट करियर की बेस्ट पारी, 4 साल बाद लगाया अर्धशतक। श्रेयस अय्यर डेब्यू टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन के मामले में तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने, पहले स्थान पर हैं शिखर धवन। न्यूजीलैंड टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर डेनियल विटोरी ने कहा कि विराट कोहली प्लेइंग 11 में वापसी करेंगे तो अजिंक्य रहाणे को टीम से बाहर होना चाहिए।
आईपीएल 2022 में धोनी की होगी विदाई और फिर यह देश विदेशी खिलाड़ी बन जाएगा सीएसके टीम का कप्तान। पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कमेंटेटर लक्ष्मण शिवराम कृष्णा ने लगाया आरोप, बोले पूरी जिंदगी रंगभेद झेले हैं। शेषना ने पारी देर घोषित करने के लिए पिच को ठहराया दोषी, कहा कि पिच से गेंदबाजी को अधिक मदद नहीं मिल रही। ऋषभ पंत जब उपलब्ध नहीं तभी मुश्किल काम के लिए रिद्धिमान साहा की जरूरत होगी। इंग्लिश बल्लेबाज ने 11 गेंद पर बना डाले क्रिस गेल के साथ मिलकर मचाया घबरा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉन का हुआ एक्सीडेंट, पीटा भी था बाइक पर साथ। कमेंट्स को टेस्ट कप्तान बनाने से पहले सीए ने रखी थी शर्त, गेंदबाज ने किया खुलासा। विक्की कैटरीना की शादी में वामिका संग विराट अनुष्का होंगे शामिल, शाहरुख खान को नहीं मिला न्योता। ने पूरे किए 1000 एपिसोड, 21 सालों के सफर पर पड़े रो पड़े अमिताभ बच्चन, बोले जैसे पूरी दुनिया बदल गई। पटाखे फोड़ने के बाद सलमान खान के फैंस ने चढ़ाया उनके फोटो पर दूध, अभिनेता बोले कई लोगों को पानी नसीब नहीं होता। जानवी कपूर ने अपनी मेकअप आर्टिस्ट संग बिग बॉस 5 का एक सीन किया रिक्रिएट, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। शमिता शेट्टी को कीड़ा कहने पर सलमान खान ने लगाई देवोलीना की फटकार। रणवीर सिंह की तरासी का नया पोस्टर आया सामने, 2 दिन बाद फिल्म का ट्रेलर होगा रिलीज। आर्यन अरबाज के कथित ड्रग सप्लायर शिवराज के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत, एनडीपीएस कोर्ट ने दी जमानत। बादशाह संग शो में रैपर बने अमिताभ बच्चन, सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर लिखा खेलेंगे केबीसी जानते नहीं एबीसी। कुंडली भाग्य फेम पृथ्वी ने रचाई शादी, प्यार में पहुंचे सीरियल के कई स्टार्स। स्टार अधिविशेष के अनस जी में मिला स्पेशल गिफ्ट, अभिनेता ने फैंस से बयां की खुशी। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।